हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी थ्री बाई यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों बात करेंगे पेटीएम KYC को लेकर। आप सभी को बता दें कि दोस्तों बड़ी अपडेट आ चुका है। पेटीएम का जो KYC आप लोग मोबाइल से करते थे दोस्तों, वो बंद होने वाला है। कुछ दिनों के बाद वो बंद हो जाएगा। पेटीएम KYC कैसे मोबाइल से करना है, इस वीडियो में हम आप सभी को कंप्लीट जानकारी देंगे। सिर्फ वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा। दोस्तों वीडियो सुनने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को बता दें कि पेटीएम KYC करने के बाद आपको क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ वेरिफिकेशन बैच का। उसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं तो आगे आपको स्कैन पे का ऑप्शन मिल जाता है, टू मोबाइल का ऑप्शन मिल जाता है, टू सेल्फ टू बैंक अकाउंट, मतलब ये चार ऑप्शन से किसी के अकाउंट में पैसा आप भेज सकते हो। उसके बाद दोस्तों नीचे आइएगा, यहाँ पर बैलेंस इंक्वायरी, पेटीएम बैंक, पेटीएम वॉलेट, पर्सनल लोन का भी ऑप्शन यहाँ पर आप सभी को मिल जाता है जब आप KYC कंप्लीट कर लीजिएगा तब। अगर दोस्तों आप KYC कंप्लीट नहीं करते हैं तो सिर्फ आप पेटीएम के थ्रू पैसा कहीं से आप ले सकते हैं, लेकिन किसी के पास पैसा भेजना हो या मोबाइल रिचार्ज करना हो, ये सुविधा आपको जब तक पेटीएम KYC नहीं कीजिएगा तब तक नहीं मिलने वाला है। तो चलिए कैसे पेटीएम KYC करना है मैं इस वीडियो में आप सभी को लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों पेटीएम KYC कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करके पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करना है। तो चलिए मैं पहले मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन करता हूँ। जब दोस्तों मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कीजिएगा तो इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं, जब आप यहाँ लोगो पर क्लिक कीजिएगा तो ये जो वेरिफिकेशन बैच है ग्रीन कलर का, वो नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ना आपको किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, ना दोस्तों आप बैलेंस हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, ना आप पर्सनल लोन ले सकते हो। तो आप दोस्तों पेटीएम KYC करने के लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार टाइप करना है KYC। ठीक है दोस्तों, KYC टाइप करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है KYC नियर पॉइंट का, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है आधार कार्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आधार कार्ड पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर, उसके बाद आधार कार्ड पर जो नाम है उस नाम को डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर टिक करके यहाँ देखिए नीचे लिखा है एक्टिवेट माई वॉलेट, इस पर आपको पहले क्लिक कर देना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह का पेज खुल जाएगा। और दोस्तों यहाँ सबसे पहले आपको बैंक का नाम सर्च कर लेना है, जो भी आपका बैंक होगा, और बैंक को ऐड कर लेना है। तो जो मेरा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद दोस्तों अब क्या करना है कि होम पेज पर आपको आ जाना है। होम पेज आने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ सर्च बार है, फिर से आपको टाइप करना है KYC। ठीक है, और सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर KYC नियर पॉइंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट ए मेथड टू कंप्लीट योर फुल KYC फॉर फ्री। KYC दोस्तों आप फ्री में कर सकते हैं, इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है, लिखा है विजिट ए नियर KYC स्टोर, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज खुलेगा। और दोस्तों यहाँ पर लाइन से आपको देखने को मिलेगा KYC सेंटर का नाम। ठीक है दोस्तों, वो भी 2 से 3 किलोमीटर के अंदर। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ कॉल का ऑप्शन है, कॉल पर क्लिक करना है। कॉल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पर कॉल करना है और पता करना है कि आपको वहाँ पर KYC के लिए कब बुलाया जाएगा। ठीक है, KYC मात्र 5 मिनट के अंदर हो जाता है और इसमें कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के बताइएगा, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।